हम आपके पीछे देख रहे हैं, शायद आप शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और ये दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग इस तरीके से। बिल्कुल अर्पिता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, जिस जो छूट इन्हें दी गई है, उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा हैं। यहाँ घेरे जरूर बनाए गए हैं लेकिन इसमें कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए भीड़ देख लीजिए कितनी है। पुलिस यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, चप्पल निकल जा रही है लोगों की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले दिन यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, जो छूट मिली है, जो शराब की दुकानों को खोलने की, उसके बाहर किस तरह के हालात हैं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दो गज की दूरी की लगातार बात की जा रही है लेकिन आप खुद तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये जो दो गज की दूरी है बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। इस बीमारी की गंभीरता को अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लगातार हम एक महीने से ज्यादा का समय था जब हम लॉकडाउन फॉलो कर रहे थे, पूरी तरह से बंद था। आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है। दिल्ली रेड जोन में है। रेड जोन में जो केंद्र सरकार ने छूट दी है वो दिल्ली में पूरी तरह से लागू की गई है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये लाइन छोटी लाइन नहीं है, कई सौ मीटर की ये लाइन है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ किस तरह से लोग बिल्कुल मिलकर खड़े हैं। तो ये आज कम से कम इस जगह पर जो ये पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये बात की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाए लेकिन यहाँ इस जगह पर नहीं दिखाई दे रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए कोई फासला इन लोगों के बीच में नहीं है। क्यों फासला नहीं बना रहे आप लोग, डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पीछे धक्का दे रहे, कभी आगे धक्का दे रहे हैं। आप लोग इतनी भीड़ में खड़ा होना जरूरी है जब खतरा इतना ज्यादा है? हाँ तो हट जाएंगे, अब पीछे हो तो गए हैं। देखिए और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। ये बताइए कि इतना खतरा लेकर आप लाइन में क्यों लगे हैं? शराब पीने के लिए भैया, मिल नहीं रही, अब क्या करें, ब्लैक में ले लेके परेशान हो गए हैं, जान जोखिम में डाल देंगे। अब सारे खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तो आप बताइए कि डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। देखिए तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ा रहे हैं। पिता जावेद जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हम भी ये देख पा रहे हैं जावेद, हालांकि मैं देख रही हूँ पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, बावजूद इसके वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यही एक बड़ी चिंता भी बनी हुई थी कि ऐसे में जब छूट दी जाएगी तो क्या इन ऐसे लोगों को संभाला जा पाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है, संभल नहीं रहे ये लोग।